दुनिया में एक ऐसा जजीरा भी मौजूद है जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। इस खौफनाक जगह पर किसी को भी ना जाने की इजाजत देना बिल्कुल ठीक है। आखिर इस जजीरे में ऐसा क्या है कि किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है? इस जजीरे में हर जगह खतरनाक सांप मौजूद है जो किसी के लिए भी खतरे से कम नहीं है। ब्राजील के साहिल से 34 किलोमीटर दूर इस जजीरे पर कोई भी शख्स पैदल चलने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक दफा एक मछुआरा इस जजीरे में गलती से चला गया तो कुछ दिनों के बाद इसकी कश्ती में उसी की लाश मिली थी। इस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ आज तक कोई भी ना जान सका। इस जजीरे को पूरी दुनिया में स्नेक आइलैंड यानी सांपों का जजीरा कहा जाता है। इस जजीरे में सांपों के अलावा किसी को भी रहने की इजाजत नहीं, क्योंकि ये सांप उसे जिंदा ही नहीं रहने देते। कभी ये जजीरा ब्राजील की सरजमीन से जुड़ा होता था, लेकिन 10,000 साल पहले जब सतह समंदर में इजाफा हुआ तो इसने जमीन के इस हिस्से को अलग करके एक जजीरा बना दिया। इस खतरनाक जगह पर ब्राजील हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। इस जानलेवा जजीरे पर जो आखिरी इंसान ठहरा था वो 1920 में इस जजीरे में मौजूद लाइट हाउस में कीपर था। कश्तियों को दिखाने वाली लाइट हाउस के लिए यहाँ ये अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था और यहाँ की देखभाल भी करता था। एक दिन लाइट हाउस की खिड़की से सांप ने दाखिल होकर इस फैमिली को डस लिया और इनकी मौके पर ही जान चली गई। इस जजीरे में मुस्तकिल रहाइश किसी की भी नहीं है। बहरिया वक्तन फवक्तन इस जगह का दौरा करती रहती है ताकि वो देख सके कि इस जगह में कोई एडवेंचरर तो मौजूद नहीं जो यहाँ आकर अपनी किस्मत को आजमा रहा हो। हुकूमत की तरफ से यहाँ सिर्फ दो ही लोगों को जाने की इजाजत है, एक नेवी को जो वहाँ जाकर लाइट हाउस की मरम्मत करती है और दूसरा रिसर्चर्स जो वहाँ मौजूद सांपों के ऊपर तहकीक कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जजीरे में इतनी बड़ी तादाद में सांप आए तो कहाँ से आए? इस सवाल को समझना थोड़ा मुश्किल है। यकीनन ये सांप तैर कर तो नहीं आ सकते। एक मुकामी दास्तान के मुताबिक इस जजीरे पर समंदरी डाकुओं ने खजाना दफन कर रखा है जिसकी हिफाजत के लिए इन्होंने यहाँ पर सांप छोड़ दिए। रिसर्चर्स को ये वजह ज्यादा माकूल दिखाई नहीं देती। अगर डाकुओं ने ऐसा करना था तो जब वो वापस आएंगे तो ये सांप उन्हें भी डसकर मार सकते हैं, लिहाजा डाकू कभी भी ऐसा नहीं कर सकते और इन सांपों को यहाँ छोड़कर नहीं जाते। एक और बड़ी वजह सामने आई है, ये वजह कम दिलचस्प है लेकिन हकीकत यही है। यहाँ सांपों की कसीर तादाद साहिल समंदर पर पानी की सतह कम होने की वजह से हुई थी। जब 10,000 साल पहले ये जजीरा ब्राजील से अलहदा हुआ तो यहाँ सांपों की थोड़ी सी तादाद मौजूद थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ दूसरे जानवर इन सांपों का शिकार बनते गए और यूँ सांपों की तादाद रोज बरोज बढ़ती गई और दूसरे जानवरों का खात्मा होना शुरू हो गया। इस जजीरे में बहुत खतरनाक और मुख्तलिफ किस्म के सांप भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक सांप गोल्डन स्नेक है। सांपों की ये किस्म बहुत नायाब है और ये किस्म सिर्फ इसी जजीरे में ही पाई जाती है। ये सांप तकरीबन 1.5 फुट लंबे होते हैं और इनका जहर बाकी सांपों की निस्बत 10 गुना ज्यादा होता है। इस सांप के काटने के बाद कुछ ही मिनटों में इंसान की बहुत तकलीफ दे मौत हो जाती है। ब्राजील में सांप के काटने से होने वाली अमवात में 90% अमवात गोल्डन स्नेक की वजह से ही होती है। चूँकि ये जजीरा अलग थलग है और वहाँ आबादी भी नहीं है, लिहाजा गोल्डन स्नेक से होने वाली अमवात की हकीकी अदादोशुमार नहीं बताई जा सकती, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम आबादी की वजह से यहाँ अमवात भी कम ही होती हैं। आखिर ये सांप इस कदर जहरीले क्यों है? इसकी हकीकत इस अजीबोगरीब आइलैंड के जोग्राफिया से मिलती है। इसकी वजह ये है कि ये जजीरा सबसे अलग था और इन सांपों के पास परिंदों को अपना शिकार बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अमूमन जब सांप अपने शिकार को डसते हैं तो वो भागने की कोशिश जरूर करता है और कुछ दूरी पर जाने के बाद उसकी मौत भी हो जाती है, लेकिन जब शिकार परिंदे का हो तो अमकान होता है कि वो उड़कर कहीं दूर जा गिरे और इससे सांप को अपनी खुराक नहीं मिलेगी। इसीलिए इस जजीरे में मौजूद सांपों को अपने जहर में इजाफी जहरीलापन पैदा करना पड़ा ताकि वो किसी भी परिंदे को उड़ने से पहले ही उसे मार सके। इस जजीरे पर मुकामी परिंदों की तादाद बहुत ही कम रह गई है, इसीलिए इस जजीरे के सांप अपनी खुराक के लिए जजीरे में आने वाले आरजी परिंदों पर ही इन्हिसार करते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस जजीरे पर 3,000 से 4,000 तक गोल्डन स्नेक पाए जाते हैं। कभी ये तादाद इससे भी कई गुना ज्यादा होती थी, लेकिन जंगलात की कटाई और खुराक की कमी की वजह से इनकी तादाद तेजी से कम हो गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस जजीरे में पिछले कुछ सालों में 50% से भी ज्यादा सांपों की अमवात हुई है। अगर इसके नुकसान हैं तो इसमें बहुत से फायदे भी छुपे हुए हैं।
ये जजीरा किसी भी तरह बेफायदा नहीं है। यहाँ मौजूद कई नायाब सांपों के जहर से मुफीद दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे गोल्डन स्नेक का जहर दिल के अमराज की दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है और कुछ दूसरे सांपों का भी जहर एंटी कैंसर दवाइयों में इस्तेमाल होता है। खतरा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, गैर कानूनी काम करने वाले अपनी किस्मत जरूर आजमाते हैं। इस जजीरे के इतने खतरनाक होने के बावजूद भी कुछ स्मगलर्स यहाँ से गोल्डन स्नेक चुराने के लिए आते हैं और ये सांप बहुत नायाब है, इसीलिए तकरीबन 15,000 से $20,000 तक ये सांप इजीली सेल हो जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें।